गर्भपात कराने के लिए महिलाओं के पास कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि गर्भपात की गोली खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या इस गोली को खाई जाए कि नहीं, या आगे चलकर समय में ये बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न नहीं कर देगी। ये सवाल महिलाओं के दिमाग में उठते रहते हैं। आज हम MTP किट के बारे में बात करेंगे। MTP किट क्या है, इसके साइड इफेक्ट, नुकसान एवं इसके कारण होने वाली आगे समय में समस्या क्या हो सकती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। गर्भपात कराने के लिए अधिकतर महिलाएं MTP किट का इस्तेमाल करती हैं। ये टैबलेट गर्भपात कराने में मदद करती है। इसमें होता है मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रिस्टोल। ये कॉम्बी पैक किट के रूप में आती है जो गर्भपात कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे आप बिना डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस किट को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इस किट में 5 गोलियां होती हैं। एक गोली का आकार बड़ा होता है और 4 गोलियों का आकार छोटा होता है। जो बड़ी गोली का आकार होता है उसका मॉलिक्यूल का नाम होता है मिफेप्रिस्टोन, और जो 4 गोलियां होती हैं उसका मॉलिक्यूल नाम मिसोप्रिस्टोल होता है। जो मिफेप्रिस्टोल टैबलेट होती है उसको सबसे पहले हल्का खाना खा के कम से कम 250 ग्राम दूध के साथ लेना चाहिए, और जो 4 गोलियां होती हैं जो मिसोप्रिस्टोल होती हैं उनको 36 से 48 घंटे में 2 गोली मुंह से और 2 गोली वेजाइने में रखना चाहिए, या आप चारों गोलियां एक साथ मुंह के द्वारा भी ले सकते हैं। चलिए पहली गोली के बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से काम करती है। गर्भाशय में जो भ्रूण विकसित होता रहता है उसको नरम करती है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको रोकती है और गर्भाशय की सतह को ये तोड़ देती है। फिर ये जो 4 गोलियां होती हैं ये गोलियां गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करती हैं, जिससे ये भ्रूण के साथ साथ यूटेरन जो लाइनिंग होती है उसको बाहर निकाल देती है। वैसे तो इन गोलियों को गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में ही लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी आप 8 हफ्ते यानी कि 2 माह के अंदर अपने डॉक्टर की सलाह से इन गोलियों को यूज कर सकती हैं। चलिए इस किट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस गोली के साइड इफेक्ट भी बहुत है। हर महिला को इसकी जानकारी होना चाहिए कि गर्भपात की जो गोलियां होती हैं इसके कितने नुकसान होते हैं। योनि से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है, उल्टी होने लगती है, जी बहुत ज़्यादा मसलाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, दस्त होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, नींद ठीक तरह से नहीं आती, और भी कई तरह के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। बात कर लेते हैं ये टैबलेट आपको कब नहीं लेना चाहिए। यदि गर्भावस्था का समय 2 माह से अधिक हो गया हो तो आपको इस टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार की एंटी एगुलेंट टैबलेट ले रही हैं, यानी कि मतलब जो ब्लड रोकने की मेडिसिन होती है उसको एंटी एगुलेंट मेडिसिन बोलते हैं, ये ले रही हैं तो आप इस टैबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। आपकी उम्र 35 साल से अधिक हो गई हो तब भी आप इसको टैबलेट को आपको यूज नहीं करना चाहिए। आप दिन भर में 10 से अधिक सिगरेट का यूज करती हैं, किसी अन्य प्रकार का धूम्रपान यूज करती हैं तब भी आपको MTP किट का यूज नहीं करना चाहिए। आप अस्थमा, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित, या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तब भी आपको MTP किट का यूज नहीं करना चाहिए। और यदि टैबलेट लेने के बाद 5 दिन से अधिक ब्लीडिंग हो, या 10 से 15 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहो, या ब्लीडिंग बंद ही ना हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गर्भपात ठीक तरह से ना हुआ हो या भ्रूण का कुछ अंश गर्भाशय में रह गया हो जिसके कारण ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और जब तक ब्लीडिंग होती रहती है तब तक कि गर्भाशय पूर्णता से सफाई नहीं हो जाती है तब तक ब्लीडिंग होती रहती है। इस तरह की ब्लीडिंग को बंद करने के लिए आपको सर्जिकल ऑपरेशन कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया में डायलेशन और एवैक्यूलेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया अपनाने के बाद में ब्लीडिंग पूर्ण तरह से बंद हो जाती है। वैसे तो इस तरह का काम करना पाप है, क्योंकि आप ऐसे आजन में बच्चे की हत्या कर रहे होते हैं, आप ऐसा काम कर रहे होते हैं, आप गुनहगार की श्रेणी में आते हैं। और यदि आपको कोई मजबूरी हो इस तरह का काम करना, या अति मजबूरी हो तभी आप ऐसा काम करें, इस तरह आपको इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।